नमस्कार, आप देख रहे हैं भरोसेमंद चैनल C10 न्यूज। तो देखते हैं आज की खास खबर। फिरोजाबाद के सुकहाबाद में राष्ट्रीय चेतना समिति के नगर इकाई के अध्यक्ष पवन सक्सेना के नेतृत्व में मेला वाले बाग स्थित श्री टुइया वाले मंदिर के समीप मानस भवन पर साधु संतों के लिए निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष गुप्ता एवं राष्ट्रीय सचिव दिनेश यादव ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में नगर के प्रमुख फिजिशियन डॉक्टर रंजीत सिंह, दंत चिकित्सक डॉक्टर आशीष सिंह व वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी डॉक्टर दीपक तिवारी ने वहाँ उपस्थित साधु संतों का चेकअप किया और उन्हें आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। दवा वितरण समिति के उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल एवं पवन अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के संयोजक समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल यादव थे। महासचिव आशुतोष वर्मा ने बताया कि अब तक कुल 83 साधु संतों ने शिविर में अपना पंजीकरण कराया है। इस मौके पर शिविर में विमल यादव, अशोक शर्मा, जितेंद्र कुमार, लटूरी सिंह एवं मानव सेवा समिति के राजवीर सिंह, विमल कुमार, केशव देव, विजेंद्र कुमार, सुखवीर सिंह का विशेष सहयोग रहा। तो देखते रहिए C10 न्यूज के साथ ब्रजेश राठौर की ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे दंत रोग विशेषज्ञ और नेत्र रोग विशेषज्ञ और एक जनरल फिजिशियन, तीनों तरह के चिकित्सक मौजूद हैं। जो भी हमारे संत लोग हैं अपनी अपनी परेशानियों का समाधान उचित रूप से किया जाता है। साधु संतों की सेवा के लिए इसमें करीब 20 मरीज देख चुका हूँ, उसमें से करीब 8 मरीज जो है मोतियाबिंद के लिए हैं। उनके मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन 10 तारीख को सरकारी अस्पताल में किए जाएंगे, इनके लेंस डाले जाएंगे। और मैं इन लोगों का समिति का बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करना चाहता हूँ कि जो इतने मेहनत से काम करते हैं और सेवा करते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति नगर सुखाबाद द्वारा और साधु संतों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर और दवा वितरण के कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, इसके लिए हमारी समिति के नगर अध्यक्ष भाई पवन सक्सेना जी, संगठन के सभी पदाधिकारीगण बहुत बहुत बधाई के साथ मैं आभारी हूँ। आज चिकित्सक बंधुओं का, डॉक्टर आशीष जी का, डॉक्टर दीपक जी का, डॉक्टर रंजीत सिंह जी का, इस चिकित्सीय शिविर में इन साधु संतों को निःशुल्क देखने आते ही संगठन के लिए घोषणा की है कि आज संगठन में जो साधु संत दिखाएंगे, जिनको मोतियाबिंद की परेशानी, उनका निःशुल्क परीक्षण 10 तारीख आभारी। अभी कुछ ही पलों बाद हम लोग जनपद आगरा में भी एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर और दवा वितरण का आयोजन आगरा जगजीत नगर में भी कर रहे हैं, जहाँ पर निःशुल्क दवा चिकित्सा। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति के द्वारा, मानव सेवा समिति के द्वारा ये जो कथा हो रही है, राम कथा हो रही है मानस भवन में, इसमें साधु संतों के लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई। और इस मेडिकल कैंप में नगर के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, दंत चिकित्सक में डॉक्टर आशीष सिंह और जो डॉक्टर रंजीत सिंह फिजिशियन, जो कि सीनियर फिजिशियन माने जाते हैं सुखाबाद नगर के, और साथ में उनके डॉक्टर दीपक तिवारी जो कि सीनियर नेत्र विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा कैंप की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति लगातार सामाजिक कार्यों में तत्पर रहती है, उसके द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया और उस मेडिकल कैंप में 83 रजिस्ट्रेशन हो गए, 83 साधु संतों की बीमारियों को स्वास्थ्य लाभ लेने की कोशिश की गई। उसके साथ साथ डॉक्टर दीपक तिवारी के द्वारा 8 ऑपरेशंस की व्यवस्था की गई, जो कि 10 तारीख को किए जाएंगे उनके द्वारा। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति लगातार अपने कार्यों को करती जा रही है और इसी के साथ हम आगे भी ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यों में संलिप्त हों। आज यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति संस्था द्वारा हमारे साधु सन्यासियों के लिए एक चिकित्सा सेवा शिविर का आयोजन किया गया है और इस संस्था द्वारा ऐसे पूरी कार्य समय समय पर किए जाते रहते हैं। आज यहाँ पर लगभग हमने सारे साधु सन्यासी आए थे, उनका चिकित्सा से परीक्षण किया और यहाँ पर नेत्र रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और दंत रोग विशेषज्ञ ने उनको सलाह दी और
नेत्र रोग विशेषज्ञ ने उनको ये भी सलाह दी है कि अगर किसी का ऑपरेशन होना है तो सरकारी हॉस्पिटल में आके उनसे मिल सकते हैं, सुविधा ऑपरेशन की सुविधा वहाँ पर प्रदान की जाएगी।